हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजलि कुकिंग में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रस माधुरी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है, यम्मी भी लगता है, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है, और इसको हम एक उबाल आने तक छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। और ये देखें फ्रेंड्स, दूध में बॉइलिंग आना शुरू हो गया है। देख रहे ना, दूध में अच्छे से उबाल भी आ गया है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम कलछी से एक बार ऐसे चला लेंगे कि इसमें मलाई ऊपर जमे नहीं। और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और जब तक दूध हमारा ठंडा होगा, तब तक हम दूध भरने की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे विनेगर लिया है, तो विनेगर हम यहाँ पे 3 चम्मच लेंगे, और इसके डबल हम पानी लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 1 कप पानी लिया था ना, उसमें से आधा से अधिक पानी हमने डाल लिया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, आप जब भी विनेगर डालें दूध में फाड़ने के लिए, तो उसमें पानी ज़रूर डालें, पानी डालकर ही फाड़ना चाहिए। और ये देखिए, दूध हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, एकदम गर्म में नहीं फाड़ना है दूध को, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी फाड़ना है। और अब हम कलछी में थोड़ा सा दूध लेंगे और इसमें 2 या 3 चम्मच विनेगर डालेंगे, और इसको हम ऐसे 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे दूध में। ऐसे ही करके हमें दूध को फाड़ना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूध हमारा थोड़ा सा फट चुका है। और ये देखिए, जितना हमने विनेगर लिया था, सारे विनेगर को हमने ये डाल लिया है, फिर भी हमारा दूध अच्छे से नहीं फटा है। ये दूध की क्वालिटी पर निर्भर करता है, कभी कभार दूध आपका जल्दी फट जाता है, कभी कभार टाइम भी लगता है फटने में, तो ये दूध के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हमने इसमें 1 चम्मच विनेगर ऐड किया है, और इसको हम 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे, शायद हमारा दूध अच्छे से फट जाए। और ये देखिए, दूध हमारा अच्छे से फट गया है। तो इसको अभी हम 2 से 3 मिनट तक और ऐसे ही चलाएंगे कि और अच्छे से हमारा दूध फट जाए। और इसको एकदम हल्के हाथों से चलाना है, जल्दी जल्दी में इसको नहीं चलाना है, ज़्यादा तेज़ी में नहीं चलाना है इसको। और ये देख रहे ना, छेना और पानी एकदम अलग अलग है। तो इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए छेने को ऐसे ही पानी में छोड़ देंगे कि छेना हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है, तो अब हम इसको स्टैंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लिया है, आप किसी भी कॉटन के कपड़े से इसको छान सकते हैं छेने को। और अब हम इसको 3 से 4 बार नॉर्मल पानी से अच्छे से इसको वॉश करेंगे। इसमें का जो विनेगर का जो टेस्ट है, उसको हम अच्छे से निकालेंगे धोकर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लिया है, और अब इसमें का जो पानी है उसको हम निकाल लेंगे। तो इसको एकदम हल्के हाथों से दबाते हुए निकालना है पानी, इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, वरना जो आपका जो छेना है वो हार्ड हो जाएगा अगर इसमें का पूरा पानी निकल जाएगा। तो इसमें हल्का सा मॉइस्चर होना चाहिए, तभी आपका जो रसगुल्ला बनेगा वो एकदम स्पंजी बनेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसमें का पानी हमने निकाल लिया है। तो अभी हम इसको साइड में हटा देंगे, ये जो पानी है, और ये जो छेना है उसको हम गर्म में ही मसलेंगे, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें का जो भी लम्स है वो अच्छे से टूट नहीं पाएंगे, इसलिए इसको गर्म में ही मसलना है। गर्म में मसलने से जितने भी लम्स होंगे वो सारे लम्स टूट जाएंगे। तो इसको हम हथेली से मसलेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको मसलना है। मसलने के बाद में एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, जैसे क्रीम होता है ना केक पे का क्रीम, एकदम वैसे ही हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग इसको हमने 8 से 9 मिनट तक मसल लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें मैदा, तो मैदे से अच्छा बाइंडिंग बनता है, रसगुल्ला का फटेगा नहीं। तो हमने इसमें 2 चम्मच मैदा लिया है, और इसको हम 8 से 9 मिनट तक मसलेंगे कि मैदा जो है वो अच्छे से चारों तरफ मिक्स हो जाए। और ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसको सेट होने के लिए 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, और जब तक ये सेट होगा तब तक हम शुगर सिरप की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, आप कोई भी बड़ा सा बर्तन ले, और उसका तला थोड़ा मोटा होना चाहिए,
तो अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो शक्कर हमने यहाँ पे 1.5 कप लिया है, 1.5 कप शक्कर हमारा है, तो उसी के हिसाब से यानी कि 4 गुना हम इसमें पानी डालेंगे। हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है, कोई चिपचिपा नहीं बनाना है चाशनी को, बस हमें शक्कर मेल्ट होने का इंतज़ार करना है। आप गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसमें आपको शक्कर और पानी दोनों की क्वांटिटी आपको बराबर में ही डालना पड़ता है, क्योंकि उसका जो चाशनी थोड़ा सा चिपचिपा चाहिए था इसीलिए। और इसमें आपको कोई भी आपका चाशनी चिपचिपा नहीं चाहिए, बस इसमें आपका शुगर सिरप जो है वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए, जिससे आपका रसगुल्ला वो अच्छे से चाशनी में डूब जाए। और ये 6 मिनट हो गया है तो इसको हमने मसल लिया है, और इसमें से अब हम थोड़ा सा डो लेंगे और उसको हम हथेली पे ऐसे लोई बना लेंगे। ये देखिए ऐसे ही करके बना लेना, अभी लोई को इसमें चिकना नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा भी रहेगा तो चल जाएगा। ऐसे ही करके हम सारे डो को लोई बना लेंगे। और ये देखिए हमने बना लिया है, और ये जो बड़ा सा लोई है इसको हम ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया है, इसको हमने ग्रेट कर लिया। आप चाहे तो काट कर भी डाल सकते हैं, और इसमें आप चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं, हमने बिना कलर का यूज किया है इसको। और ये देखिए जितना हमने बड़ा वाला बॉल बनाया उतना ही हमने छोटा वाला भी बॉल बनाया है, देख रहे ना। और ये देखिए इसका साइज एकदम छोटा है, और ये जो बड़ा वाला बॉल है उसको हम हथेली पर रख के उंगलियों के सहारे से ऐसे चिपटा कर लेंगे। और इसमें अब हम छोटा सा बॉल डालेंगे और इसको हम मुंह ऐसे ही करके बंद कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ही करके इसका मुंह बंद कर लेना है, ये बहुत ही आसानी से बंद हो जाता है। और इसको हम अच्छे से चिकना कर लेंगे, और ये चिकना भी अच्छे से हो जाता है, गोल भी हो जाता है, ये देख लेना। और इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, एकदम हल्के हाथों से करना है, क्योंकि आपका जो छेना है वो सॉफ्ट है, तो इसीलिए इसको एकदम हल्के हाथों से करना है। ये देखिए देख रहे ना, कहीं से भी फटा भी नहीं है। और ऐसे ही करके हम सारे रसगुल्ले को बना लेंगे। ये मैं आपको दूसरा वाला दिखा रही हूँ, ये देखिए इसको भी हम ऐसे ही चिपटा करेंगे, और इसमें भी हम छोटा सा बॉल डालेंगे ड्राई फ्रूट्स वाला, और इसका भी मुँह हम ऐसे ही करके बंद कर लेंगे। बस इसको आप कुछ ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आपका जो रसगुल्ला है वो बहुत ही बढ़िया बनेगा, एकदम टेस्टी बनेगा। और ऐसे ही करके हमने बना लिया है, और ये देखिए शुगर सिरप में अच्छे से बॉइलिंग भी आ गया है, और हमारा जो चाशनी एकदम साफ है, गंदा नहीं है। तो अब हम इसमें एक एक करके ये रसगुल्ला डालेंगे, और रसगुल्ले को डालते समय गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए, उसको लो नहीं करना है, मीडियम भी नहीं करना है, हाई फ्लेम पर इसको हम बॉयल करेंगे रसगुल्ले को। तो ऐसे ही करके हम सारे रसगुल्ले को इसमें डाल देंगे, और इसको हम ढक देंगे एक बर्तन से। और ये देखिए 5 मिनट हो गया है, देख रहे ना, 5 मिनट के बाद देखिए इसका जो साइज है वो डबल हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल पानी डालेंगे, हलवाई वाला स्टेप अपनाएंगे। हलवाई लोग ऐसे ही करते हैं, जब चाशनी थोड़ा सा कम पड़ जाए ना शुगर सिरप, तो उसमें वो नॉर्मल पानी डालते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो रसगुल्ला है वो फटेगा भी नहीं, और अच्छे से एकदम चिकना भी रहेगा, और फूलेगा एकदम स्पंजी भी होगा। तो इस स्टेप को आपको 2-2 मिनट पे 2 से 3 बार करना है, और इस पे हम फिर से ढक्कन लगा देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इस स्टेप को आपको 3 से 4 बार करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो रसगुल्ला है वो अच्छे से पक चुका है, क्योंकि रसगुल्ला हमारा जो चाशनी के अंदर अच्छे से डूब चुका है, 90% डूब चुका है। इसका मतलब कि हमारा रसगुल्ला जो है अच्छे से पक चुका है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे, और रसगुल्ले को हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और इसको हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। इसको आप डायरेक्ट रसगुल्ले को कढ़ाई में से निकाल कर एकदम ठंडे पानी में डालेंगे तो आपका जो रसगुल्ले का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, इसीलिए इसको ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप रसगुल्ले को निकालिए और फ्रिज में रखिए, उसका जो साइज है वही साइज रहेगा, उससे छोटा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है, तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए।
और जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है। मैं आपको बताऊंगी आधा लीटर दूध में ज़्यादा से ज़्यादा रबड़ी कैसे बनाएं। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि आधा लीटर दूध में हम रबड़ी ज़्यादा कैसे बनाएं। तो ये देखिए बॉइलिंग आ गया है दूध में, तो इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, इस पर मलाई बिल्कुल भी नहीं जमने देना है। और ये हमने लिया है 3 से 4 चम्मच एकदम चिल्ड दूध लिया है, एकदम ठंडा दूध लेना है। और अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर से आपका जो दूध है वो गाढ़ा हो जाएगा और रबड़ी भी आपका ज़्यादा बनेगा। और ध्यान रहे इसको गर्म दूध में बिल्कुल भी नहीं डालना है, ठंडे दूध में डालकर इसको मिक्स कर उसके बाद में ही हम इसको दूध में डालेंगे। और ये देख रहे ना इसका कितना प्यारा ये कलर है, एकदम गोल्डन कलर है। तो हम दूध में इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, 1-1 चम्मच करके डालेंगे, एक ही बार में नहीं डालना है वरना ये लम्स पड़ जाएंगे इसमें। और इसको हम ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे और मलाई बिल्कुल भी नहीं जमने देना है कढ़ाई के किनारे में, उसको ऐसे ही चलाते रहना है। चलाते हुए इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। और मात्र रबड़ी बनाने में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आप बिना कस्टर्ड पाउडर के बनाते हैं रबड़ी तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएगा और आपका जो रबड़ी है वो कम बनेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे दूध को इसमें डाल दिया है और ये देख रहे हैं ना दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें शक्कर। तो शक्कर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी शुगर सिरप में रसगुल्ले को डाल कर रखा है तो थोड़ा सा मीठा ही होगा, इसीलिए आप उसी के हिसाब से आप इसमें शक्कर डालें। और शक्कर डालने के बाद में इसका जो थिकनेस है थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो हम इसको 2 से 3 मिनट तक और गाढ़ा कर लेंगे। और ये देखिए इसमें उबाल भी आ गया है शक्कर डालने के बाद में, और हमारा जो रबड़ी है गाढ़ा भी हो गया, तो हमारा रबड़ी बन के तैयार हो गया। तो हम गैस ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 इलायची। आप चाहे तो यहाँ पे इलायची एसेंस का भी यूज कर सकते हैं या इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे खड़ी इलायची लिया है, तो इलायची को हम थोड़ा सा मसल कर डालेंगे। और अब हम डालेंगे यहाँ पे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स से इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में और छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसको मैं फ्रिज में रखूंगी ठंडा होने के लिए। अगर आप रूम टेम्परेचर में रख रहे हैं तो आपको 2 से 3 घंटा लग जाएगा ठंडा होने के लिए। और ये जो इसका थिकनेस है वो देखिए कितना बढ़िया है, स्पैचुला हमारा अच्छे से इसमें गोट हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। और ये लीजिए हमारा रसगुल्ला भी अच्छे से ठंडा हो गया। तो मैं आपको एक हाथ में लेके और इसका चाशनी में आपको निचोड़ के दिखाती हूँ कितना बढ़िया हमारा रसगुल्ला बना है। एकदम स्पंजी बना है और एकदम सॉफ्ट बना है, एकदम कॉटन जैसा सॉफ्ट बना हुआ है, ये देख रहे हैं ना। तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे और हमारा रबड़ी भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो रसगुल्ले को हम थोड़ा सा निचोड़ लेंगे, पूरा इसको अच्छे से नहीं निचोड़ना है, थोड़ा सा इसमें चाशनी छोड़ देना है अंदर में। और अब हम इसके ऊपर से डालेंगे रबड़ी। रबड़ी भी हमारा एकदम ठंडा हो गया, एकदम चिल्ड हो गया है। तो ऐसे ही हम कलछी से रबड़ी को इसमें डाल लेंगे। और ये देखिए रबड़ी डालने के बाद में इसका जो कलर है बहुत ही बढ़िया कलर आया है। और इसको हम थोड़ा सा सिल्वर वर्क से गार्निश भी कर लेंगे और उसके ऊपर से हम बादाम के कतरन से भी गार्निश कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बादाम के कतरन से गार्निश कर लिया है, देख रहे ना हमारा जो है रस माधुरी कितना बढ़िया बना है। और मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ, ये देखिए एकदम सॉफ्ट बना हुआ है और अंदर से एकदम जूसी भी है, देख रहे ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। देखकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसा बना है। और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि हम कोई सा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना भी ना भूलिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा।
मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।